इस बरावदा की पावन धरा पर निष्कलंक धाम में समरसता महाकुंभ का आयोजन और भगवान कल्कि के आशीर्वाद से हमारे सतपंथ के महामंडलेश्वर स्वामी श्री जनार्दन हरिजी के पावन सानिध्य में समरसता महाकुंभ आयोजित किया गया है, जो आगामी 29-30-31 दिसंबर को इस बड़ावदा के निष्कलंक धाम के अंदर आयोजित किया गया है। इस महाकुंभ में वसुदेव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो प्रणीत होने वाला है, और आज से निष्कलंक धाम में इस समरसता महाकुंभ के लिए अनेक तीर्थों से, अनेक राज्यों से संत महापुरुषों का, आचार्य महामंडलेश्वरों का, जगद्गुरु का अब आना प्रारंभ हो गया है। आप सभी लोग तेजपुर वासी, बड़ावदा ग्राम के वासी, आसपास ग्रामीण अंचल के जितने भी लोग हैं, जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ पर समरसता महाकुंभ हो रहा है और आपको इतने संत महापुरुषों का दर्शन होगा, उनका पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये आपके अनन्य जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ आप सभी लोगों से एक आह्वान भी करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की बहुत बड़ी अपेक्षा है। सभी ग्रामीण अंचल वासियों से मेरा ऐसा निवेदन है कि सुरक्षा की दृष्टि से निष्कलंक धाम अभी 27 तारीख को आज रात्रि से और आगामी जब तक समरसता महाकुंभ रहेगा तब तक निष्कलंक धाम के अंदर परिसर में सभी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आप लोग संत महापुरुषों का दर्शन, उनका पूजन, उनके आशीर्वचन आप लोगों को सुनने के लिए मिले, दिनांक 29 दिसंबर को एक भव्य शोभा यात्रा जुलूस निकलने वाला है, उसमें आपको सभी संत महापुरुषों का दर्शन होगा। उनका स्वागत करिए, उनका अभिनंदन करिए, उनका सत्कार करिए, और साथ में ही जो बहुत बड़ा पांडाल बना है उसके अंदर आपको उनके आशीर्वचन प्राप्त होंगे, वहाँ पर भी उनके आपको दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसे 31 दिसंबर तक आपको संत महापुरुषों का दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होगा, और यहाँ पर भगवान निष्कलंक नारायण का इस निष्कलंक धाम में आप उनका प्रसाद भी आपको प्राप्त होगा, संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुनः आपसे मैं यही अपेक्षा चाहता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए कल से निष्कलंक धाम 28 दिसंबर से परिसर बंद रहेगा। हमारी सभी सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाओं में आप लोग सहयोग करेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है और आप हमारा सहयोग करेंगे। इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बोले निष्कलंक नारायण भगवान की जय।